कि जिस दिन ये सारे आतंकवादी हो गए ना, दिल्ली जैसे संभाला नहीं जाएगा इन सबको। हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का रिएक्शन वीडियो किंग, आपका अपना डिजिटल सुखविंदर सिंह। गाइस, आ चुका है नया गाना श्री ब्रार का मनप्रीत औलख जी के साथ, और काफी सारे सिंगर है इस गाने के अंदर जो ये गाना होने वाला है। गाने का नाम क्या है? किसान एंथम। राइट, किसान एंथम आजकल बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, किसान एंथम प्रोटेस्ट। तो क्या प्रोटेस्ट होने वाला है आप सबको पता है, क्या गाना लेके आए, क्या लाइंस लेके आए हैं श्री ब्रार साहब। और जब श्री ब्रार जी लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारे लिखते हैं। और इनके साथ बहुत सारे सिंगर हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको कौन कौन से सिंगर हैं इनके साथ। इनके साथ सिंगरों का नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने गाना गाया है, मनप्रीत औलख जी, निशान भुल्लर, जस बाजवा, जॉर्डन संधू, फैजल पुरिया, दिलप्रीत ढिल्लो, वाओ, अफसाना खान, बॉबी संधू, इतने सारे सिंगर एक साथ एक गाने के अंदर। तो गाना होने वाला है बहुत फाड़ू। क्या लाइंस होगी हमें नहीं पता, हमने नहीं सुना क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है गाना जो भी होगा जबरदस्त होगा। जब सिंगल सिंगल सिंगर सिंगल सिंगल गाना गाता है तो सिंगल सिंगल तूफान मच जाता है। जब इतने सारे सिंगर एक साथ आगे गाने गाएंगे, हर किसी के फैन होंगे, हर किसी के चाहने वाले होंगे, वो इस गाने को सुनकर कितना सारा प्यार दे सकते हैं इस गाने को। राइट, तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। ठंड दिया दिन अस्सियां तो टप्पियां ने उमरां, अज किन्ने दिन हो गए बार्डरां ते बैठियां नूं, तेनूं भोरा ख्याल नहीं, चुप सी चुप्पियां चुप रहांगे, ओ दबका झल्लिया नहीं असी सिकंदर वर्गे दा, तेरा झल्लांगे जे साडियां जमीनां खोएंगी, आ तेरा दिल्ली मल्लांगे। सब राजां पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, जट नी पंजाबों इहे आए हुए ने, ओ बिक गया भावे इंडिया दा मीडिया, आ बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने। ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕੇ
सानू दिखाउंदी अखां दिली है चंगा नहीं सलीका बिच कनेडा चूजन चंडे मंगदा साथ अमरीका ओ यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा भी रह निकाय अजे तक कल्ले बाबे आए सी बाबे आए सी सेंटर तक पै गईयां चीकां कल्ले बाबे आए सी पै गईयां चीकां अजे तक कल्ले बाबे आए सी तेरे वांगू सानू हेर फेर कट्टियां दे नहीं रही बच के बाबे नानक ने सानू सी किसानी बख्शी बाजा वाले ने कलमा ते खंडे दिल्लीए रहंदी दुनिया दे तक रहने चूल दे नक्शे ते केसरे झंडे दिल्लीए याद रखी जत के तू छट्टी हुई है छट के सी सेज बने कंडे दिल्लीए इबराड़ा ऐसी गल मत लान ता डुब दी किसानी रे ना कम आई जे तेरे वांगू बगदा तेरे बंगू बगदादी भी सी रखदा हूँ शौक शेरा ताना शाहिद है बाबे नानक दे सोच दे पहरा दे आगे ठोक के ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਅਜਾ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਅਜਾ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਅਜਾ ਵਾਲਿਆ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਮੌਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਖੜਦੇ ਸਕੀਮ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨੀ ਜੋ ਖੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਤਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਬੇ ਤਰਨਾ All right, guys. So this was song "Kisan Anthem." क्या आप गाना गाए हैं पाजी मजा आ गया सुनके ये एक नहीं दो नहीं छह से सात आठ आठ आवाज थी जिनको सुन के दिल अपरंपार हो गया मजा आ गया मनप्रीत पाजी निशान पुल्लो जस पाजा जॉर्डन फैजल पुरी दिलप्रीत श्री ब्रार अफसाना खान बॉबी संधू डीजे फ्लो क्या फ्लो में गाना गाया है और क्या क्या कमेंट्स आए इस गाने के ऊपर मैं आपको बता नहीं सकता है गाना तो लगातार चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है चलता रहा है इस पर व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं गाना गाए इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स में और क्या लाइन्स ही है देश का मीडिया तेरा तबाह हो गया बिक गया मीडिया मोदी बिक गया सारा और बीबीसी के ऊपर झंडे गाड़े हुए हैं आप फिर भी कह सकते हैं इंडिया के नेशनल चैनल सब पे झूठे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि आज तक वाले झूठे हैं ये कोई कह रहे हैं पब्लिक भारत बिका हुआ ये बिका हुआ मीडिया के चैनल कुछ कह रहे हैं बाकी चैनल कांग्रेस के चैनल है सबको हटाया बीबीसी तो नहीं बिका हुआ ना बीबीसी तो आप मानते हैं बढ़िया चैनल है बीबीसी वाला क्यों सब सच बता रहा है वो क्यों बता रहा है कि इंसान आंदोलन की सच्ची घटनाएं हैं वो तो सही बता रहा होगा ना ये वो भी बिक गया है मोदी के हाथों या कांग्रेस के हाथों आप लोग बहुत समझदार हो आप ही बताओ कि बीबीसी अभी मोदी मुक्त भारत है
न्यूज चैनल है, ये कांग्रेस मुक्त न्यूज चैनल है या बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैनल है, आप लोग बताओ प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स। और किसान जिंदा एकता बात के लेके बहुत सारे नारे लग रहे हैं और बहुत कुछ बोला जा रहा है इन किसानों के लिए। एक लाइन बड़ी अच्छी कुछ बोली थी इसके अंदर, जब सारे बोल रहे कि आतंकवादी है, आतंकवादी बैठे आतंकवादी है, तो जब इनकी अफसाना खान की लाइन बड़ी चेहरी गाने के अंदर कि जिस दिन ये सारे आतंकवादी हो गए ना, दिल्ली जैसे संभाला नहीं जाएगा सबको। और सच बात भी है, सही में अगर ऐसा कुछ हो जाएगी सारे के सारे आतंकवादी बन जाए, मैं बोल नहीं रहा, मैं किसी कुछ कह नहीं कि बनो ना बनो, लेकिन लाइन ऐसी थी, और अगर सब कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या हाल होगा आप सबका यार, क्या हो सकता है, कितना बुरा बुरा हो सकता है। हम कभी नहीं चाहेंगे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जिसमें इतना बुरा हो, ना 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 ना, वी आर अगेंस्ट दिस गंदी थिंग, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो यार, नहीं, हम नहीं चाहते। किसान एकता जिंदाबाद, राइट, यही सबका नारा है। और ये गाने के बहुत सारे कमेंट आ पा रहे हैं, मतलब मैं देख पाऊंगा कि दिस एंथम इज रियली ग्रेट, सिरा गीत चप्पिया वीरगत सरकार थे भाई, फिर निकाल दिया भाई, जब ग्रेट खो जब निकालना, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद गाना, दिस इज प्रो, सबका लेजेंड मनप्रीत श्री बरार, और जय हरियाणा, जय किसान, लव यू पंजाब एंड हरियाणा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे आ चुके हैं इसके अंदर मैसेजेस। और आप सब जानते ही गाइस क्या चल रहा है इस समय अंदर, इस समय के अंदर जहाँ पे किसान इतना ज़्यादा चलता आ रहा है, 3 बिल की वापसी की डिमांड हो रही है, 3 बिल वापस नहीं हो पा रहे। पहले बीजेपी कहती है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे, हम बिल वापस नहीं करेंगे, ना इसे अमेंड करेंगे, लेकिन आज इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद ये लोग अमेंड के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब पंजाब के किसान अड़ चुके कि आपको अमेंड नहीं करना, वापस लेना है। इन दोनों के बीच में ही सारी कहानी फंसी हुई है, एक मान के राजी नहीं हो रहा, एक मान रहा है, और आधे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि प्रश्न में चल के रहा है। लेकिन आप लोग किसका साथ देते हैं प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे थे यार, गाने को आप फेल कर नहीं सकते, ऐसा गाना कभी कभार आता है, वो भी इतने प्यार से इन लोगों ने एक किसान किसान भाइयों के लिए आपके डेडिकेट किया है, इतना अच्छा सॉन्ग, राइट, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है इसका। शायद मेरे ख्याल से वीडियो भी आ चुका होगा इस गाने का, वीडियो चेक करते, ये जो मैंने जो रिएक्शन वीडियो करा है ऑडियो ट्रैक के ऊपर करा है, ऑडियो ट्रैक के अंदर बहुत अच्छा लगा मुझे गाना सुनकर, मैं बहुत दिन से वेट करता था ऐसा भी गाना है जिसके अंदर 4-5 सिंगर हो गए, तो 7-8 सिंगर आ गए यार, दिन बन गया, रात बन गई, सुबह बन गई, शाम के सामने अंदर उनका पूरा पूरा मूड बन गया, राइट। ऐसे गाने आते रहेंगे, हमारा भी यू नो बढ़ता रहेगा, मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और किसान भाई तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा मोटिवेट है, पम्प्ड है यार, लेकिन मुझे कहीं बहुत तरस आ रहा है कि इस सर्दी के अंदर कैसे बिता रहे रात, जहाँ हम घर के अंदर भी अपने ठंड के मारे कांप रहे हैं, इस समय दिसंबर की सर्दी के अंदर घर ले जाइए, दो कंबल दो, चाय ले आओ गर्म कर लो, लेकिन इस समय बेचारे किसान कैसे बैठे हैं, कितना बुरा लगता है उनको देख के यार। बच्चे भी है, बूढ़े भी है, बूढ़े भी अच्छे खासे बूढ़े यार, 60+ 70+ वाले लोग भी हैं वहाँ पे, बहुत मुश्किल है उन बूढ़े बुजुर्गों का, जिनके हाथ में पले उनके बच्चे, बताने पता नहीं फौज में है कि कहाँ पे होंगे, वो देख रहे कि बच्चे हमारे कि हमारे जो माँ बाप है बेचारे बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर दिल्ली को घेरा करके, बहुत बहुत बुरा लग रहा है यार। और हमारी जो सरकार है वो अपना ही मन मना के बैठी है कि हम तो वापस नहीं करेंगे, ईगो प्रॉब्लम कह सकते हो आप इसको, या कह सकते हो कि बीजेपी की मंशा साफ है, वो चाहती कि बीज के डीलर हटे और सारा पैसा हम कमाए, मतलब किसान कमाए, और डीलर ना कमाए, किसान कमाए और कंपनीज कमा ले, कॉर्पोरेट कमा ले, राइट, क्या था उनकी मंशा साफ हो। लेकिन बिल वो समझा नहीं पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे, ये समझाना नहीं चाहते, ये समझ के राजी नहीं हो रहे, या किसान गलत है या वो गलत है, ये आप बताओगे। मुझे तो पता है किसान गलत नहीं है, किसान बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा इंसान आ चुका है, वो जमाना गया जब किसान अनपढ़ होते थे, वो फंस जाते, लेकिन आज किसान पढ़ा लिखा है, वो जानता है उसके राइट्स क्या है। आप उनके राइट्स को ना दबाए प्लीज, आपको राइट्स दबाने कोई अधिकार बनता नहीं और ना ही आपको दबाने चाहिए, राइट। तो आप इस अधिकारों को हो सके तो यार, हम तो कहते हैं हर वीडियो में कह रहे हैं कि चलो ठीक है आप एडजस्टमेंट करें, कहीं ना कहीं पॉइंट ये करो, लेकिन दोनों चीज दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई है, तो फैसला तो होना नामुमकिन है, देखो क्या होगा यार। बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सही दोनों बातें, क्योंकि बहुत दिन से मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चलता आ रहा है कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन एक आम बंदे की तो भूल जाओ यार, आम बंदे के लोग सुनेंगे, सरकार कहाँ सुनती है, कॉमन मैन की आवाज़ नहीं सुनी जाती आज पेट में, आप सबको पता है, राइट। किसानों की आवाज़ नहीं सुनेंगे ना सुनना चाहेंगे, क्यों, उन्हें पता है ये छोटे लोग हैं, इनकी हम ना भी कुछ करें कोई दिक्कत नहीं, बड़े हमें सुनने की इसकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की, जहाँ से हमको लाखों रुपये आते हैं, करोड़ों रुपये आते हैं, वो भी सुबह शाम आते हैं, तो हम उनकी ही सुनेंगे, राइट। बहुत सारे पॉइंट, 3 पॉइंट को लेके बहुत सरकार अड़ी पड़ी है, और स्पेशली MSP पॉइंट जिसके ऊपर दुनिया सारी एकजुट हो गई है,
खत्मा खत्म हो गया, नगवा नग हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा कि एमएसपी के चक्कर गया है। पढ़े लिखे एम्प्लॉयज को तो एमएसपी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा, उनके लिए तो सरकार चाहिए सही है और किसान गलत है। किसानों के लिए एमएसपी अच्छी चीज है, लाना चाहिए, वो कह रहे नहीं लाना चाहिए। यहीं कहीं कहानी घूम रही है भाई, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे किसान के ऊपर, क्योंकि किसान के दो चार वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। गोल्ड हमने हमारी लास्ट वीडियो गोल्ड के साथ हुई थी, वो भी काफी एक्सपर्ट बन गए और जिन्होंने अपनी काफी सारी एडवाइस दी थी इसको लेके राइट। तो मेरे तो यार स्पेशल थैंक्स टू मन की रहता है ऑल दी सिंगर जिन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया किसान एंथम को लेके, जिसको मैं बहुत बहुत सल्यूट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ गाना आप ज़्यादा सुने और शेयर करें अपने सारे पंजाबी भाइयों तक। आपको जहाँ जो लगता है गाना अच्छा है आप इसको शेयर करें, आपको लगता है गाना गाना बहुत अच्छा है, रिएक्शन मेरा भी रिएक्शन बहुत अच्छा लगा आपको, तो आप यहाँ इस गाने को लाइक जरूर करें, कमेंट प्लीज़ करें। मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ अच्छे कमेंट्स के साथ, नेगेटिव कमेंट ना करें अच्छा लगता नहीं है। इतने अच्छे गाने के बगैर नेगेटिव कमेंट आते तो अच्छा लगता नहीं है। उन सिंगर को भी जिन्होंने गाना बहुत प्यार से गाया है किसानों को डेडिकेट करने के लिए, अगर आपने कभी भी किसी किसान के थ्रू रोटी खाई है, किसी गुरुद्वारे लंगर में रोटी खाई है, आप इस गाने को शेयर करो और आप इस गाने को लाइक करो। सो गाइज दिस वॉज ऑल द रिएक्शन फ्रॉम माई सेट फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग किसान एंथम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।